हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइडर। सो गाइस, इस चैनल पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक से लेकर एडवांस तक की वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो कंप्यूटर एंड लैपटॉप में फोल्डर होते हैं या फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें हाइड कैसे कर सकते हैं। और गाइस, कई बार ऐसा भी होता है उन फोल्डर या फाइल्स में कोई इंपॉर्टेंट डाटा भी होता है और हम चाहते हैं उस डाटा को कोई देख ना सके और वो डाटा हाइड हो जाए। और गाइस, अगर आप भी सीखना चाहते हैं फोल्डर या फाइल्स को हाइड कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और गाइस, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी फोल्डर को लॉक कैसे कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे दिया है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सो गाइस, आज की वीडियो में सीखेंगे किसी भी फोल्डर को कैसे हाइड कर सकते हैं। आप चाहे वो फोल्डर पहले से आपने क्रिएट किया हो या न्यू फोल्डर क्रिएट करना हो, उसको भी हाइड कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि देखिए, मेरे पास कुछ फोल्डर हैं ऑलरेडी कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर, तो यहाँ से हम लोगों ने इस फोल्डर्स को एज ए हाइड करना सीखना है। तो जिस भी फोल्डर को आप हाइड करेंगे, हाइड करने से होगा क्या कि आपका फोल्डर सामने शो नहीं होगा, वो एज ए हाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जिस भी फोल्डर को हाइड करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा विद द हेल्प ऑफ माउस एंड यूज करना है प्रॉपर्टीज फंक्शन। प्रॉपर्टीज में जाने पर आप देखेंगे कि आपके सामने ऊपर लिखा हुआ आ रहा है डीपी प्रॉपर्टीज। अब डीपी प्रॉपर्टीज का मीनिंग है कि ये जो फोल्डर आपने डीपी वाले की प्रॉपर्टीज निकाली है और यहाँ से यूज करना हिडन फंक्शन। और गाइस, एक फंक्शन और है कि फोल्डर के ऊपर आपने लेफ्ट क्लिक करना है और कीबोर्ड से यूज करना है ऑल्ट एंटर। ऑल्ट एंटर करने से क्या होगा कि इस फंक्शन से भी उस फंक्शन की प्रॉपर्टीज निकल सकती है। लेफ्ट क्लिक करेंगे और ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं उस फंक्शन की प्रॉपर्टीज को निकाला जा सकता है। तो फर्स्ट वे आपको बताया राइट क्लिक करके यूज करना है आपने प्रॉपर्टीज, एंड द सेकेंड वे है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की लेफ्ट क्लिक किया ऑन द फोल्डर जिसको अपने हाइड करना है, उसकी फोल्डर के ऊपर प्रॉपर्टीज निकालने के लिए ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज फंक्शन आपके सामने एज ए ओपन हो चुका है और यहाँ से यूज करना है जनरल। जनरल से आपको यूज करने को मिलेगा फंक्शन हिडन का एंड हिडन पे क्लिक करना है एंड ओके करना है एंड आगे अगेन ओके करना है। और गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो फोल्डर है, हमारे पास एक फोल्डर ऑलरेडी है डीपी नेम का, उसमें देखो वो डार्क है और जो सेकंड जो फोल्डर किल वाला हमने एज ए हाइड करना है वो तो लाइट हो चुका है। तो इट मीन्स कि हाइड होने की तैयारी में। तो इसको स्क्रीन से कैसे हम हाइड कर सकते हैं उसके लिए आपको यूज करना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफी सारे फंक्शन है। यहाँ से दिस पीसी वाले आइकन को ओपन करें और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एक फंक्शन है फाइल्स का। तो यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्लिक किया एंड आपके सामने फिर से एक फंक्शन ओपन हुआ है जिसका नाम है फोल्डर ऑप्शंस। तो यहाँ से व्यू टैब यूज करेंगे और यहाँ से आपको यूज करना है हिडन फोल्डर फाइल्स वाला ऑप्शन। जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर, इट मीन्स कि ये जो फोल्डर हमने बाहर अभी हाइड किया था वो शो हो रहा है। इट मीन्स कि वो शो रहेगा अगर आपने शो वाले फंक्शन पे टिक लगाया होगा, और अगर आपने डोंट शो पे टिक करोगे जो आपका फोल्डर होगा बाहर वो शो होना बंद हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमने फंक्शन या फोल्डर हाइड किया था या फाइल हाइड की थी वो हाइड हो चुकी है। और अगर इस फंक्शन को फिर से यूज में लाना है तो आपको फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करना होगा। दिस पीसी वाले फंक्शन को ओपन किया, आपके सामने फाइल है और यहाँ से चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस को निकालेंगे और यहाँ से व्यू फंक्शन यूज़ किया और आपके सामने है शो हिडन फाइल्स पे क्लिक किया एंड यहाँ से इस बार हमें ओके करना होगा। और आप देख सकते हैं जो फोल्डर हमने हाइड किया है वो हाइड होके वापस भी आ चुका है, शो हो चुका है। अब इस फोल्डर को नॉर्मल मोड में लाना है तो फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके फोल्डर की प्रॉपर्टीज को ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हिडन वाला फंक्शन हमने यूज़ किया था उसको हटाना होगा और आपका जो फोल्डर होगा वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा। एंड सेकंड वे एक और है कि आप इस फोल्डर को हाइड करने का एक सेकंड प्रोसेस भी यूज कर सकते हो जो कि बहुत इजी है। दिस पीसी वाले आइकन को ओपन किया और आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं इसके टाइटल बार में, दैट्स अ टाइटल बार, दिस पीसी वहां पर लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है कंप्यूटर एंड व्यू। यहाँ से व्यू वाले फंक्शन को ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ माउस, लेफ्ट क्लिक करेंगे, लिखा आ रहा है हिडन आइटम्स। और अगर इस पे आप टिक लगाओगे तो आपके जो आइटम्स रहेंगी मतलब हिडन वो शो रहेंगी, अगर टिक हटाओगे तो आइटम जो हिडन वाली वो हाइड हो जाएंगी। होप है कि आपको वीडियो समझ लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।